किसानों को जो 6 घंटा देते हैं वो भी बिजली कटौती कर रहे हैं, पानी की भी भयंकर समस्या है और कुछ स्थानीय समस्या है। तीर्थ नगरी पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही विद्युत कटौती और पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई नहीं करने के मुद्दे को लेकर पुष्कर विधानसभा के चारों मंडलों ने पुष्कर विधायक सुरेश रावत के नेतृत्व में आज बुधवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में तहसीलदार रामेश्वर छाबा को ज्ञापन सौंपा। आप कुछ दिनों से देख रहे हो राजस्थान की जनता गर्मी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। उसका कारण है कि बिजली जब सबसे ज़्यादा जरूरत लोगों को गर्मी के अंदर बिजली की होती है तो गाँव के अंदर 10-10 घंटे बिजली कट रही है, शहरों के अंदर भी बिजली कट रही है। किसानों को जो 6 घंटा देते हैं वो भी बिजली कटौती कर रहे हैं, पानी की भी भयंकर समस्या है और कुछ स्थानीय समस्या है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया, भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी अभियान है, ये आह्वान है कि सभी उपखंड स्तरों पर ज्ञापन दिया जाए और इसी के तहत कल हमने रूपनगढ़ में ज्ञापन दिया, आज हम पुष्कर के अंदर दे रहे हैं और साथ ही चेतावनी देकर जा रहे हैं प्रशासन को कि अगर जल्दी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया तो हम पुष्कर का GSS है उसका हम घेराव करेंगे, वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज इसी के तहत हमारे कार्यकर्ता यहाँ पुष्कर के यहाँ आए और हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाईसागर रोड अजमेर। क्या आप फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाईसागर रोड अजमेर।